हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियांक सेन, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, वडोदरा, गुजरात। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्ने वल्गारिस यानी कि कील मुहासे के बारे में। पिंपल्स होने के जो मेन कारण हैं वो है हार्मोनल चेंजेस 13 से 18 साल के बीच में बच्चों में या टीनएजर ग्रुप में हार्मोन चेंज होने के कारण ये बदलाव होते हैं। ग्रेड्स ऑफ एक्ने यानी कि पिंपल्स को तीन ग्रेड में विभाजित किया गया है। ग्रेड नंबर 1 ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, जिसको कॉमेडोन एक्ने भी बोलते हैं। ग्रेड नंबर 2 उसमें कॉमेडोन प्लस पर्स्यूल्स दिखते हैं। और ग्रेड नंबर 3 जिसमें पिंपल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको सिस्टिक एक्ने भी बोलते हैं। अब देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। अगर बहुत अच्छे से क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो पिंपल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसके पिंपल्स के निशान नहीं बचते हैं, इवन उसके स्कार को भी हटाया जा सकता है। अभी हम देखते हैं कि एक्ने वल्गारिस या पिंपल्स कील मुहासों को ग्रेड वाइज, जैसे हमने क्लासिफाइड किया है उसको ग्रेड वाइज कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या तकनीकें अभी अवेलेबल हैं और कौन कौन से मशीन हम लोग यूज़ करते हैं जो पिंपल्स या उसके निशान या उसके खड्डे जो रह जाते हैं वो सब में जो ट्रीटमेंट के प्रोफाइल है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पिंपल्स के लिए जो इनिशियल ट्रीटमेंट रहता है वो है मेडिसिन, लगाने वाली दवाइयाँ एंड खाने वाली दवाइयाँ, जिसमें खाने वाली दवाइयाँ हैं कैप्सूल आइसोट्रेटिनोइन एंड ओरल एंटीबायोटिक, एंड लगाने वाली चीज़ें रहेगी उसमें लोकल एंटीबायोटिक क्रीम एंड कैरेटोलिटिक क्रीम, और लास्ट में देते हैं फेस वॉश डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप। जब खाने वाली और लगाने वाली दवाइयाँ काम नहीं करती है तो क्लिनिक में हम लोग काफ़ी सारी प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें रहता है केमिकल पीलिंग एंड लेसर मशीन। आगे हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल पील ट्रीटमेंट क्लिनिक में जब करते हैं तो उसमें सीरियल सीटिंग रहते हैं, ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते के बीच में 6 से 8 सीटिंग देने रहते हैं, जो पिंपल्स और उसके निशान को ठीक करने के लिए काम करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है इंटेंस पल्स लाइट, यानी कि ये मशीन से होने वाली ट्रीटमेंट है। जब बड़े पिंपल्स हो जाते हैं और दवाइयाँ काम नहीं करती है तो मशीन बहुत अच्छा काम करता है, आप इसके भी सीटिंग ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेसर से होने वाली ट्रीटमेंट मेनली पिंपल्स के बाद में रहने वाले स्कार्स हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और स्कार्स को हटाने के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। वीडियो में दिखाया गया है लाइव CO2 लेसर से होने वाली ट्रीटमेंट। लास्ट में एक और मशीन रहता है जिसको बोलते हैं क्यू स्विच एंडिया ग्लेसर मशीन। जिन लोगों को पिंपल्स ठीक हो जाते हैं लेकिन उसके काले धब्बे रह जाते हैं, उन ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए ये मशीन बहुत अच्छा काम करता है। देखते हैं कि अगर पिंपल्स को प्रिवेंट करते हैं
तो पिंपल्स के सीवियर ग्रेड में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और स्किन लंबे टाइम तक उसमें स्कार्स नहीं रहते हैं, उसके और प्रॉब्लम नहीं होते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसके टिप्स हम आपको बता रहे हैं, उसको सीरियसली फॉलो करें, आपके पिंपल्स के जो आगे के प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होंगे। टिप नंबर वन, चेहरे को क्लीन रखें, चेहरे को मिनिमम 2 बार फेस वॉश करें। टिप नंबर दो, खाने में दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें कम खाएं या ना खाएं। टिप नंबर थ्री, पिंपल्स को बार बार हाथ ना लगाएं। टिप नंबर चार, हाथ से पिंपल्स को नहीं फोड़ें। टिप नंबर पाँच, रात को सोने से पहले अच्छे से फेस क्लीन करें, उसके बाद में पिंपल्स की जेल लगाएं और बाद में सोएं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स: क्लिनिक 1, मोनालिसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मांजलपुर, वडोदरा। क्लिनिक 2, डेक्स प्लाजा, नियर झवेर नगर बस स्टॉप, वाघोड़िया रोड, वडोदरा। आप हमें ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, मोनालिसा बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मांजलपुर, वडोदरा। ये है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ऑफ आदित्य स्किन क्लिनिक एंड लेसर सेंटर, वडोदरा। थैंक यू वेरी मच।